अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नई सी रेसिपी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। थैंक यू। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हॉट कॉफी। जी हाँ, इससे पहले हमने डालगोना कॉफी बनाई थी, उस कॉफी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मौसम बहुत ही सुहाना है, ऐसे टाइम पे अगर शाम के टाइम में एक अच्छी सी कॉफी मिल जाए, वो भी झाग वाली, जी हाँ, आज की हम कॉफी बनाएंगे बिल्कुल होटल जैसे, जैसे होटल में पीते हैं ना हम, बिल्कुल झाग वाली, वो भी बिल्कुल बिना मेहनत के। तो चलिए इस कॉफी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कॉफी को बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच कॉफी ली है और मैंने 5 चम्मच चीनी लिए। फ्रेंड, चीनी और कॉफी का लेवल आप अपने हिसाब से रखें। अगर आप स्ट्रॉन्ग कॉफी लेना पसंद करते हैं तो कॉफी का लेवल बढ़ा सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कॉफी बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की झाग वाली कॉफी बनाने के लिए मैंने एक ट्रिक का यूज किया है। इसके लिए मैंने ये बॉटल ली है। फ्रेंड्स, ऐसी बॉटल इजीली घर में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, इस बॉटल की हेल्प से आज हम कॉफी बनाएंगे। फ्रेंड्स, इस बॉटल के अंदर हमें चीनी और कॉफी को ऐड करना है, तो उसके लिए मैंने ये कीप लिया है। अगर आपके पास इस तरह का कीप ना हो तो आप कोई भी पेपर लेके उसे फोल्ड करके उसकी हेल्प से इसमें चीनी और कॉफी को ऐड कर सकते हैं। इससे इसमें इजीली चली जाएगी। अब फ्रेंड्स, जो मैंने चीनी ली थी मैं ये इसमें ऐड करूंगी। और फ्रेंड्स, ये जो कॉफी ली थी वो भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने चीनी और कॉफी को बॉटल में ऐड कर दिया। फ्रेंड्स, जो मैंने पानी लिया था वो मैं इसमें ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, पानी ऐड करते आप एक चीज का ध्यान रखें कि चीनी और कॉफी के लेवल से सिर्फ थोड़ा सा ऊंचा ही आपको पानी रखना है। तो मतलब पानी का लेवल आपको चीनी और कॉफी के लेवल से थोड़ा सा ज्यादा रखना है, बहुत ज्यादा नहीं रखना है। तो मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि चीनी और कॉफी का लेवल इतना है, तो मैंने पानी का लेवल इससे ऊपर रखा है। अब फ्रेंड्स, मैं क्या करूंगी, इस बॉटल का ढक्कन लगा के इस बॉटल को 1 मिनट तक इस तरीके से हिलाऊंगी। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, 1 मिनट तक इस तरीके से हिलाना है इसको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें कितने अच्छे झाग बनना शुरू हो गए हैं। तो हम इसे इसी तरह से हिलाएंगे पूरा 1 मिनट तक। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मुझे 1 मिनट हो गए हैं और मैंने इस बॉटल को इस तरीके से हिला हिला कर, देखिए इसमें कितने झाग बन चुके हैं। आप देख सकते हैं पूरी बॉटल में सिर्फ झाग के अलावा कुछ नहीं है। और फ्रेंड्स, आपको मैं एक टिप देना चाहूंगी कि जब भी आप कॉफी बनाएं तो प्लीज इस तरह की लाइट वेट बॉटल का ही यूज करें, क्योंकि बॉटल जितनी लाइट वेट होगी उतने ही झाग अच्छे बनेंगे। अब फ्रेंड्स, हमें इस बॉटल को अभी खोलना नहीं है। फ्रेंड्स, कॉफी बनाने के लिए मैंने बॉयल मिल्क लिया है, मैंने बहुत ही अच्छे से उबाल रखा है इसको। तो चलिए अब हम कॉफी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए कॉफी बनाना स्टार्ट करते हैं। कॉफी बनाने के लिए मैंने 2 मग लिए हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें जो मैंने कॉफी का बैटर तैयार किया था वो ऐड करूंगी दोनों कप्स में। जो मैंने दूध लिया था ये एकदम गर्म है, बिल्कुल बॉइल करा है मैंने इसको। अब मैं थोड़ा ऊंचाई से इसको इसमें ऐड करूंगी, ऊंचाई से इसलिए डालना है इससे थोड़े झाग और अच्छे बनते हैं। फ्रेंड्स, देखिए मैंने दूध इसमें ऐड कर दिया और मैं इसमें थोड़ा सा कॉफी का बैटर और ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी झाग वाली कॉफी हमारी बनकर के तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी कॉफी बनकर के तैयार है। अब फ्रेंड्स, मैं इसे इस तरीके से मिक्स कर दूंगी अच्छे से। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने अच्छे झाग बने इसमें, कप में ऊपर तक बस झाग ही है। अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने इसे, देखिए आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने अच्छे इसमें झाग बने, और वो भी बिना मेहनत के, ये देखिए। अब फ्रेंड्स, मैंने ये चॉकलेट सिरप लिया है, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। मैं इससे इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन सा करूंगी इसमें, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप करना चाहें तो करें, आप करना नहीं चाहते तो नहीं करें।
अब फ्रेंड्स मैंने एक टूथ पिक ली है, इसकी हेल्प से मैं इस कॉफ़ी को इस तरीके से करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी कॉफ़ी बनकर के तैयार है फ्रेंड्स, और ये कितनी सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स आप भी इस कॉफ़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और फ्रेंड्स ये बिना मेहनत के मैंने कॉफ़ी बनाई है, देखिए एक मिनट के अंदर ये कॉफ़ी बन करके तैयार हो गई, और वो भी फुल झाग वाली। वो घंटों तक आपको चम्मच से चीनी और कॉफ़ी मिला के उसे चम्मच से हिला हिला के इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कॉफ़ी बनी है। तो फ्रेंड्स आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आए तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।